39 साल के शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 24 अगस्त की सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। गब्बर के नाम से मशहूर बाएं हाथ का यह बल्लेबाज लंबे समय से टीम से बाहर चल रहा था। शुभमन गिल जैसे ओपनर्स के आने के बाद से उनकी टीम में वापसी मुश्किल नजर आ रही थी। लगभग 39 साल के हो चुके शिखर धवन ने भारत के लिए सबसे पहली बार 2010 में वनडे क्रिकेट खेला था। इसके बाद टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला। धवन ने 10 दिसंबर 2022 को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अपने 13 साल के करियर में वह 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैच खेल चुके हैं। संन्यास का ऐलान करते हुए धवन ने कहा कि नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कई यादें नजर आती हैं और जब आगे देखता हूँ तो पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया खेलना, और ऐसा हुआ भी। इसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। मेरा परिवार, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा, मदन शर्मा जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिनके साथ मैं वर्षों तक खेला, एक नया परिवार मिला, नाम मिला, साथ मिला, ढेर सारा प्यार मिला। कहते हैं न कि कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटने जरूरी है, बस मैं भी ऐसा करने जा रहा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर रहा हूँ। अब जब मैं इस क्रिकेट यात्रा को अलविदा कह रहा हूँ, मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं लंबे समय तक देश के लिए खेला। मैं BCCI और DDCA को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि तुम इस बात से दुखी मत हो कि अब तुम देश के लिए नहीं खेलोगे, बल्कि इससे खुश हो कि तुम देश के लिए बहुत खेले। शिखर धवन ने अपने करियर में 34 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 2315 रन बनाए, वही 67 ODI मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6793 रन बनाए और 68 T20 मैच खेल चुके हैं जिसमें 1768 रन बनाए हैं।